और आज से ठीक एक साल पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जो कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर में खत्म हुई थी। इसको लेकर युवा कांग्रेस अध्यक्ष कनिष्क पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 3 महीने का कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा, अलग अलग रूप में ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें खासकर सभी विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस प्रकार से कांग्रेस के सभी संगठनों के साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम होगा। हमेशा बंद करने की बात करेगा, हमेशा दबाने की बात करेगा, हमेशा कुचलने की बात करेगा और ताला लगाने की बात करेगा। जिसको मोहब्बत फैलाने की बात करनी है वो हमेशा हाथ फैलाएगा, वो लोगों से जुड़ने की बात करेगा, वो गर्मजोशी की बात करेगा। हम लोग उस दल के हैं जिसमें राहुल जी सबको साथ में ले चलने की बात करते हैं, प्रियंका जी सबके साथ में सबकी आवाज़ बनने की बात करती है। तो हम लोग हमेशा यही बात करेंगे कि हम लोग ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, उनके दुख दर्द को बांट सकें।